तो हेलो हाइपर आर्मी, कैसे हैं आप सभी लोग। और आज के इस वीडियो में हम दोबारा से खेलने जा रहे हैं ग्रैनी 3। लेकिन आज के इस वीडियो में हम ट्रेन एस्केप करने वाले हैं। सुना है कि ग्रैनी और ग्रैंडपा ने नई ट्रेन ले ली है, तो जरा हम भी तो चलाएं उस ट्रेन को। डे वन। ओ, वहां सामने दीवार में एक बड़ा सा होल है। आई थिंक कि हमें इसी तरफ ट्रेन मिलने वाली है, तो फटाफट से इस डोर को ओपन कर लेते हैं और अपनी ट्रेन को देखने के लिए चलते हैं। सच में ये पहली बार ओपन होने में बहुत ज्यादा टाइम लेता है। अभी भी क्यों हुआ है ओपन? और ले लेता है एक दो घंटे। तो अभी डायरेक्ट तो इस तरफ नहीं जाना है, बिकॉज सबसे पहले मुझे अपनी ट्रेन को देखकर आना है। और ये वाला रास्ता तो इस तरफ से बंद है, और यहाँ पर एक बॉक्स रखा हुआ है जिसे ओपन करने के लिए एक क्रोबार चाहिए, और ये शायद से ग्रैनी और ग्रैंडपा से छुपने के लिए है। यहाँ पर एक कॉइन की पिक्चर दी हुई है, इसका मतलब इसके अंदर कॉइन डालने से हमें ट्रेन का एक टिकट मिलेगा, और शायद से अब हम अपनी ट्रेन के बहुत ही ज्यादा करीब है। वेट, ये एक ग्लास है और मैं इस ग्लास को शॉर्ट गन से या फिर स्लिंग शॉट से तोड़ सकता हूँ। ग्रैनी और ग्रैंडपा डराते हो या ना डराते हो, लेकिन ये सबकी कमी पूरी कर देती है। और ये कौन है? मुझे से क्यों चिपके जा रहा है भाई? ये तो शोर मचा रहा है बढ़िया करके, ये जरूर मुझे पटवाएगा। ओके, सो इस साइड भी एक रूम दिया हुआ है, और मुझे लगता है कि ग्रैनी और ग्रैंडपा आते ही होंगे, तो इसलिए मैं इसके अंदर छुप जाता हूँ। वेपन की, तो इससे बढ़िया बात क्या हो सकती है? हमें स्टार्टिंग में ही वेपन की मिल चुकी है, और इधर से जाने के लिए हमें एक छोटा सा रास्ता भी दिया हुआ है। वैसे ग्रैंडपा की शॉटगन फेल है हमारे स्लिंग शॉट के आगे। अच्छा, इसे कहते हैं शैतान का नाम लिया, शैतान हाजिर। और अब शैतान गोली भी चला रहा है। मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है, मुझे यही छुपना होगा। तो गाइस, आप देख सकते हो कि ग्रैनी नीचे से ऊपर आ रही है। इसका मतलब जब वो रोबोट शांत हुआ था तब ग्रैनी नीचे आ चुकी थी, लेकिन अच्छी बात यह है कि ग्रैनी ने मुझे देखा नहीं था। तो अभी ना मैं ग्रैंडपा के रूम में जाकर फटाफट से स्लिंग शॉट ले लेता हूँ, और इसके बाद मुझे कुछ स्टोन्स भी कलेक्ट करने होंगे, उसके बाद ही मैं ग्रैनी और ग्रैंडपा को ढाई ढाई मिनट के लिए सुला पाऊंगा। तो अभी मुझे ग्रैंडपा के रूम से स्लिंग शॉट तो मिल गई है, और अब कुछ स्टोन्स कलेक्ट करने के लिए चलते हैं। और यार, सिलेंड्रीना का भी खतरा तब तक बना रहेगा जब तक हम उसे उसका टैडी ढूंढकर नहीं दे देते हैं, तो मुझे सिलेंड्रीना का टैडी जल्द से जल्द ढूंढना होगा। ओके, सो अभी हमें एक स्टोन मिल चुका है, और हम मैक्सिमम 3 स्टोन्स तक कलेक्ट कर सकते हैं। तो मैंने पूरे टोटल 3 स्टोन्स कलेक्ट कर लिए हैं, और एक बार इस कार को भी चेक कर लेते हैं। तो गाइस, मुझे ना ग्रैंडपा दिख चुके हैं, और वो अभी किचन में हैं। इन्हें चुपचाप पीछे से जाकर टपका देता हूँ, और किसी को पता भी नहीं चलेगा। ग्रैंडपा की रक्षा करने के लिए ग्रैनी अभी जिंदा है। बेटू, वैसे मुझे ग्रैंडपा के बारे में तो पता था कि वो किचन में ही है, बट ग्रैनी के बारे में मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं था। एक बार ध्यान से देख लेता हूँ दोनों में से कोई है तो नहीं। ओके, रास्ता बिल्कुल साफ है, तो फटाफट से जाकर अपनी स्लिंग शॉट उठा लेता हूँ। तो लास्ट टाइम मैंने अपनी स्लिंग शॉट को किचन के बाहर वाले डोर के पास छोड़ा था, तो अभी मैंने अपनी स्लिंग शॉट उठा ली है, और साथ में मुझे एक स्टोन भी मिल चुका है। और इस बार ग्रैनी और ग्रैंडपा बिल्कुल भी नहीं बचने वाले हैं। तो अगेन, मुझे ग्रैंडपा मिल चुके हैं, और इस बार बिल्कुल अकेले हैं। लाओ ग्रैंडपा, शॉटगन लाओ। और ये देखो, ग्रैनी इस बार भी आ रही थी। तो अभी शॉटगन बिल्कुल खाली हो चुकी है, तो मैं इसे रिलोड कर लेता हूँ। दादी दादी के लिए ही तो। ये देखो, मुझे लगा ही था कि मैं कुछ भूल रहा हूँ। कहाँ मिलेगा इसका टैडी? तो अभी मैं सबसे पहले किचन को चेक कर लेता हूँ। ओह वेट, इस वाले ड्रॉर को भी देख लेता हूँ, और इसके अंदर रखी है सेफ की, तो सेफ को मैं बाद में चेक कर लूंगा। फिलहाल मैं किचन को चेक कर लेता हूँ, और सबसे पहले इन ड्रॉर्स को चेक कर लेते हैं। वैसे इनसे ज्यादा उम्मीद रखनी बेकार है, बस अभी तक मैच बॉक्स मिली है जो कि हमारे किसी काम की नहीं, क्योंकि हम क्रो को तो शॉटगन से भी उड़ा सकते हैं। बस ऐसा करने से ग्रैनी और ग्रैंडपा थोड़ा भड़क जाते हैं। तो इस साइड में भी थोड़े बहुत ड्रॉर्स हैं, तो अभी उन्हें भी चेक कर लेते हैं। बाकी ये वाला रूम हमारे किसी काम का नहीं। वैसे एक बात तो है, आज सिलेंड्रीना हमें बहुत ही कम परेशान कर रही है, लेकिन उसका टैडी मिल जाए तो अच्छा ही है, बिकॉज जब हम उसका टैडी उसे वापस देते हैं तो बदले में वो हमें गिफ्ट भी तो देती है। तो इधर भी कुछ नहीं मिला, केवल शॉटगन की दो एमो रखी हुई है जो कि बाद में काम आ जाएंगी। तो अभी ना हम एक काम करते हैं, हम ग्रैनी के क्रो के पास चलते हैं, और उसके पास जो भी है उसे लेकर आ जाते हैं। और क्रो के पास जाने से पहले मैं इस रूम को चेक कर लेता हूं। तो यहां एक कोकोनट रखा हुआ है, और दो एमो रखी हुई है, और दो ड्रॉर्स हैं जो कि बिल्कुल खाली है। तो कोकोनट को कट करने पर हमें कोई ना कोई की मिल जाएगी, या फिर कुछ और भी मिल सकता है। और ये रहा ग्रैनी और ग्रैंडपा का चहेता। चल यहां से, कौन सी की है ये? और गाइस, ये है ट्रेन की। तो इससे पहले कि मैं ट्रेन की को उठाकर लाऊं, मैं शॉटगन को यहीं ड्रॉप कर देता हूं। और ग्रैनी और ग्रैंडपा के अभी ढाई मिनट पूरे नहीं हुए हैं, वरना वो यहां ऊपर आ जाते और अपनी लाल लाल आंखों से मुझे देख रहे होते। तो अभी शॉटगन के अंदर एक ही एमो रह गई है, तो इसके अंदर एक एमो और डाल लेता हूं। ग्रैंडपा छोड़ना मत इसे। वो तो ठीक है, लेकिन मेरे हिस्से की भी एमो तो खाली है। ओह, भागो भागो भागो, ग्रैंडपा ने तो सच में अपने हिस्से की एमो ग्रैनी के ही हत्थे चढ़वा दी। बच गया तो, वरना बहुत मारता आज मैं तुझे। तो अभी ग्रैंडपा तो यहाँ से जाने वाले नहीं है, तो मैं ट्रेन की को लेकर सिलेंड्रीना के रूम में चलता हूँ। तो मैं इस ट्रेन की को लेकर सिलेंड्रीना के रूम में आ चुका हूँ, और यहाँ पर भी सेम वैसा ही बॉक्स रखा है जैसा कि नीचे बेसमेंट में रखा था। और ये रहा वो क्रिप जिसके अंदर हमें सिलेंड्रीना का टैडी लाकर रखना है। तो अभी ना मैं एक काम करता हूँ, मैं नीचे किचन में चलता हूँ।
ओ सिलेंडरी ना आ गई, सिलेंडरी ना आ गई। बे इतने यार, इस सिलेंडरीना से बचने के चक्कर में मेरे दिमाग से ही निकल गया कि मैं थर्ड फ्लोर पर हूँ। ओह, किसी ने तो देख लिया है, शायद से ग्रैनी ने देख लिया है। बट दिक्कत वाली बात नहीं है, हमारी स्लिंग शॉट इधर ही होगी। ये रही, और स्टोन्स तो अपने पास पहले से ही हैं, तो फटाफट से पोजीशन ले लेते हैं। ग्रैनी तो गई फिर से 2.5 मिनट के लिए, अब ग्रैंडपा की बारी। सुला दिया ग्रैनी को। नहीं नहीं ग्रैंडपा, ये वाली गलती मत करना। और लाओ शॉटगन, इसका भी बहुत काम है। खाली शॉटगन लेकर घूम रहे हैं ग्रैंडपा। तो अभी ना गाइस, मैं कोकोनट को कट करने के लिए ले चलता हूँ। वैसे यार, ये कोकोनट में की वगैरह डाल कैसे देते हैं, जो हमें कोकोनट को कट कर उसे निकालना पड़ता है। ओके, तो ये करा कोकोनट को कट, और हमें मिला है एक कॉइन। तो ट्रेन के टिकट का काम तो हो गया, और ये रही ट्रेन की, जो कि लास्ट टाइम किचन में ही रह गई थी। तो अभी ना हम नीचे बेसमेंट में चलते हैं, और वहां पर जो हमने ग्लास देखा था जिसे हम शॉटगन से तोड़ सकते हैं, तो उसे चलकर तोड़ देते हैं, और फिर शायद से हम उस रूम के अंदर एंटर कर पाएंगे। तो ये तोड़ा गिलास, और यस, अब मैं इसके अंदर जा सकता हूँ आराम से, कांच ना बढ़ जाए। तो यहाँ पर एक कबर्ड है जिसके अंदर शायद से कोई की है, और यहाँ क्रोबार भी मिल चुका है। और ये वाली की कौन सी है, शेड की। तो इस क्रोबार की वजह से ये डोर ब्लॉक हो रहा था, तो हमें क्रोबार से 2 बॉक्स ओपन करने हैं। एक तो यही नीचे बेसमेंट में रखा हुआ है, और दूसरा सिलेंडरीना के रूम में रखा हुआ है। कोई आ रहा है क्या? शॉटगन में एक ही एमो बची हुई है, और ये ग्रैनी के लिए बची हुई थी। और अब ग्रैनी उठ गई है, तो ग्रैंडपा भी उठ ही गए होंगे। तो अभी शॉटगन को रिलोड कर ग्रैंडपा को और सुलाना होगा। यार ये मेरे साथ आज हो क्या रहा है, मैं जब ग्रैंडपा का नाम लेता हूँ, ग्रैंडपा तुरंत से मेरे सामने आ जाते हैं। तो अभी ना मैं एक काम करता हूँ, मैं इस शॉटगन को यहीं छुपा देता हूँ। एक तो वैसे ही इसका खतरा बना रहता है कि ये दोबारा ग्रैंडपा के हाथ ना लग जाए। तो अभी क्रोबार का काम खत्म कर देते हैं। फायरवुड ये अपने किसी काम का नहीं। हट, छोड़ छोड़, जाए यहाँ से, भाई ये डरा देती है बिल्कुल। और ग्रैंडपा भी इधर उधर भटक रहे होंगे, तो मैं सोच रहा हूँ कि मैं स्लिंग शॉट से ग्रैंडपा को भी सुलाई देता हूँ। ये रहे, ओ क्या पागलपन है ये, ग्रैंडपा सिलेंडरीना के साथ पहले से ही प्लान बना रखा है कि तू पकड़ लियो और मैं मार दूंगा। तो अभी क्रोबार से दूसरे वाले बॉक्स को भी ओपन कर देते हैं, और इसके अंदर मिली है जनरेटर केबल। टेडी टेडी, तो अभी मेरे ख्याल से शेड हाउस में ही होना चाहिए इसका टैडी। इस सिलेंडरीना ने स्टार्टिंग में तो इतना परेशान करा नहीं, बट अभी बहुत ज्यादा परेशान कर रही है। और गाइस, फाइनली हमें सिलेंडरीना का टैडी मिल चुका है। तो अभी इसे फटाफट से ले जाकर सिलेंडरीना के रूम में जो करीब है उसमें ड्रॉप कर देते हैं, और इसके बदले में सिलेंडरीना भी हमें कोई गिफ्ट देगी, जहां तक ख्याल है कोई की वगैरह दे सकती है, और साथ ही साथ उससे पीछा भी छूटेगा। बार बार अचानक से आकर पूरी स्क्रीन को फ्रीज कर देती है। तो सिलेंडरीना टाटा करने का टाइम अब आ चुका है। जाओ 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 ना, इतना टाइम नहीं लेते। अच्छो तुझे जो दी पतो, कौन सी की देकर गई है ये, पैडलॉक की। तो गाइस, अभी ना मैं कुछ स्टोन्स कलेक्ट करने के लिए आ गया हूँ, बिकॉज ग्रैनी और ग्रैंडपा का टाइम पूरा हो चुका है, और वो जा रही ग्रैनी। लगता है यहाँ पर ट्रैप फेंकने के लिए रुकी थी। ग्रैंडपा जरा बच के, क्योंकि निशाना है मेरा थोड़ा हटके। तो अभी ना गाइस, जो शेड हाउस के पीछे प्लैंक है, मैं उसे ले जाकर उसकी सही जगह लगा देता हूँ, और फिर मैं प्लैंक के ऊपर चढ़कर उस वाले रूम में भी जा पाऊंगा। और अब मैं सोच रहा हूँ कि मैं कॉइन को नीचे ले जाकर ट्रेन का टिकट भी खरीद लेता हूँ, लेकिन उससे पहले मैं इस प्लैंक को लगाता हूँ। और यार, जब मैं ट्रेन का टिकट खरीद कर ट्रेन के पास जाऊंगा, तब शायद से वो रोबोट हमें परेशान नहीं करेगा। तो इससे पहले कि हम ट्रेन का टिकट खरीदने के लिए जाएं, मैं सेफ को एक बार चेक कर लेता हूँ। प्लीज प्लीज प्लीज, कुछ अच्छा मिल जाइए, कुछ अच्छा मिल जाइए। ब्रिज क्रैंक, ये भी हमारे किसी काम का नहीं। तो गाइस, अभी ना मैं कॉइन लेकर नीचे बेसमेंट में आ चुका हूँ, और अब फटाफट से ट्रेन का टिकट खरीद लेते हैं। और ये कॉइन मैंने वहीं रखा हुआ था जहां पर मुझे कोकोनट मिला था, और ये करा बटन प्रेस, और ये मिल गया ट्रेन का टिकट। शायद से अब हम ट्रेन के अंदर एंटर कर सकते हैं, लेकिन ट्रेन की तो नहीं चाहिए डोर को ओपन करने के लिए। अब की बार कुछ उल्टी सीधी हरकत मत करियो। ये किधर चला, यही करेगा क्या ट्रेन के डोर को ओपन? कर तो नहीं रहा, मैं करके देखता हूँ। हो गया। तो अभी ना गाइस, मैं इस वाले रूम के अंदर भी देख लेता हूँ ध्यान से। वैसे भी मैं D3 पर हूँ, कुछ तो रखा हुआ है, शायद से ट्रेन का कोई पार्ट है, एन एक्सेलरेटर। तो अभी हमें ट्रेन की मिल चुकी है, ट्रेन का टिकट मिल चुका है, और ट्रेन का एक्सेलरेटर मिल चुका है। तो मेरे ख्याल से अब हमारा काम हो चुका है, अब हम ट्रेन एस्केप कर सकते हैं। तो मैं फटाफट से जाकर ट्रेन के एक्सेलरेटर को ट्रेन में लगा देता हूँ, और ग्रैनी और ग्रैंडपा के उठने का टाइम भी हो चुका है, तो मुझे ये काम बहुत जल्द करना होगा। ओके, सो अभी मैं एक्सेलरेटर लेकर नीचे आ चुका हूँ। भाई, अब रोबोट बिल्कुल शांत हो चुका है, अब अच्छा वाला रोबोट बन गया है।
है, तो शायद से यह एक्सेलेरेटर यहीं लगेगा। ओके, तो बस ट्रेन की ओर लाकर लगानी है। क्या, द ट्रेन हैज नो पावर? इसका मतलब अभी ट्रेन को पावर भी देनी है। तो गाइस, मुझे वो इलेक्ट्रिक बोर्ड मिल चुका है जहाँ से हम ट्रेन को पावर दे सकते हैं, और ये वाला, इस वाले में तो स्विच नहीं है, मतलब अभी हमें स्विच और फाइंड करना है। और मैं सोच रहा था कि ट्रेन के एक्सेलेरेटर को लगाओ, ट्रेन की चाबी को घुमाओ और बस निकल लो। और मैं अभी स्टोन्स कलेक्ट करने के लिए बाहर गया था, तो मैंने देखा कि ग्रैनी और ग्रैंडपा दोनों ही बाहर घूम रहे हैं, इसलिए मैं केवल एक ही स्टोन कलेक्ट कर पाया और एक मेरे पास पहले से ही था। और अब मुझे समझ नहीं आ रहा कि ये जो लास्ट चीज बची हुई है स्विच, ये हमें कहाँ मिलेगा। लगभग मैंने सब कुछ तो चेक कर लिया है, कोई ड्रॉर वगैरह छूट गया है क्या? मुझे चेक करना पड़ेगा। फिलहाल तो मैं इस ट्रेन की को ट्रेन में लगा देता हूँ। तो गाइस, अभी ना मैं स्विच ढूंढने के लिए ड्रॉर्स वगैरह चेक कर ही रहा था, इतने में ग्रैनी और ग्रैंडपा आ गए। वो तो अच्छा है कि अपना स्लिंगशॉट अपने पास ही था। और गाइस, फाइनली मुझे इस ड्रॉर के अंदर स्विच मिल भी चुका है, तो अभी इसे फटाफट से ले जाकर इलेक्ट्रिक बोर्ड में लगा देते हैं और ग्रैनी और ग्रैंडपा के घर से ट्रेन एस्केप कर लेते हैं। और ग्रैंडपा की शॉटगन तो जब से मैंने यहीं छुपा रखी है, क्योंकि अगर ये एक बार ग्रैंडपा के हाथ लग जाती है तो हमारे पांचों दिन खतरे में आ जाते हैं। आई थिंक अब ट्रेन में पावर आ गई होगी, तो अभी फटाफट से ट्रेन के अंदर चलते हैं और ट्रेन एस्केप कर लेते हैं। और ये देखो, ये ग्रीन लाइट ऑन हो चुकी है। आई नीड टू क्लोज द डोर फर्स्ट। तो ये करा क्लोज, इस वाले को भी करना होगा, वरना ग्रैनी और ग्रैंडपा चलती ट्रेन में पीछे से आ जाएंगे। तो गाइस, फाइनली हम ट्रेन एस्केप करने ही वाले हैं। स्टार्ट। जंप लगाकर ट्रेन में बढ़े क्यों नहीं? उसने अंदर से डोर क्लोज कर लिए थे, कहां से बढ़ता? सिलेंडरी ना, तू जा यहां से, तू कुछ काम नहीं करती। हाँ, इसी की वजह से भागा है वो।